सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम पाठ क्रमांक 11 अव्यय यानी क्या इंडिक्लिनेबल वर्ड्स ओके उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अविकारी अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार न आए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है, परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी है जो सदा एक समय समान रहते हैं। उनका रूप लिंग वचन काल या कारक के प्रभाव से नहीं बदलता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय क्या है? अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन यानी परिवर्तन मतलब क्या बदलाव या विकार न आए। विकार यानी विकल्प न आए, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। इन शब्दों के कारण काल में बदलाव आ जाता है और जिनमें परिवर्तन या विकार नहीं आता है उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे। परंतु हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी है जो सदा एक समान रहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा जो अपनी है उसमें कुछ शब्द ऐसे भी है जिसमें एक समान शब्द होते हैं। हाँ, उनका रूप लिंग वचन काल या कारक के प्रभाव से बदलता ही नहीं, मतलब परिवर्तन होता ही नहीं है। वो किस तरह से, वो हम आगे जानेंगे विस्तार से। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। हाँ, अव्यय और अविकारी एक ही मतलब है, तो समानार्थी ही शब्द है। अव्यय मतलब ही अविकारी, जिसमें विकल्प या विकार नहीं होता है, जो अपने आप में समान रहता है शब्द में। अब अव्यय, अब उसके भी भेद है, देखिए कितने भेद है। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है, ठीक है। ये अव्यय के क्या है? भेद है। अब जानते हैं पहला भेद कौन सा है। क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखो चित्र दिया है, तितली फूल पर बैठी है, ठीक है। दूसरे चित्र में क्या दिखा है? हम प्रातः सैर करते हैं। अब तितली फूल पर बैठी है, हाँ, तो पर ये आ गया। हाँ, हम प्रातः सैर करते हैं। बेटा और उनका बेटा और पापा, देखो प्रातः समय में यानी सुबह के वक्त में वो सैर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो प्रातः शब्द अव्यय हुआ। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे संबोध करता है तो उसे हम अव्यय शब्द कहेंगे। इसी तरह से दीपिका बहुत खाती है, दीपिका कितना खाती है? बहुत खाती है। तो बहुत ये शब्द क्या हुआ? अव्यय या अविकारी शब्द हुआ, ठीक है। तो ये अव्यय का ही एक क्रिया विशेषण शब्द है जिनको हम पर, प्रातः, धीरे धीरे, बहुत इस तरह से बताया है, ठीक है। ऊपर दिए वाक्यों में पर, प्रातः, धीरे धीरे और बहुत शब्दों से क्रिया के बारे में पता चलता है कि क्रिया कहाँ
कब कैसे और कितनी हुई। अब ये जो पर शब्द है, प्रातः शब्द है, धीरे धीरे शब्द है, बहुत शब्द है, तो जब ये वाक्यों में प्रयोग कर गए शब्द, मतलब यहाँ पे जब वाक्यों में इनका प्रयोग हुआ, तब क्रिया कहाँ कब कैसे और कितनी हुई इसका हमें बोध हुआ। ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति और परिणाम संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं? कि जहाँ पर हमें स्थान यानी कि कोई कौन सा स्थान है वो मालूम पड़ता है, समय, अभी यहाँ पे प्रातः समय बोला तो समय का भी पता चला, अब रीति, अभी किस तरह से रीति, अब यहाँ पे बताया है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, और परिणाम, परिणाम यानि निकष, निष्कर्ष, तो इस संबंधी में हमें विशेषता बताती है, बहुत खाती है तो ये परिणाम चतलाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द होते हैं हम उन्हें कौन से शब्द कहेंगे? क्रिया विशेषण, जिन्हें वाक्य बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा विशेष बिंदु, ठीक है, विशेष बिंदु मतलब क्या कि कुछ पॉइंट बताते कि और विस्तार से थोड़ा हमें बताते हैं, तो उसके ऊपर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अब संज्ञा भी तो शब्द ही है, उठना, बैठना, चलना, ये क्रिया, संज्ञा क्रिया शब्द है। ठीक है, तो ये संज्ञा की विशेषता बताता है, किसी एक शब्द से हमें किसी भाव का स्पष्टीकरण होता है, किसी वाक्य का स्पष्टीकरण होता है, तो ये क्या, वो शब्द संज्ञा की विशेषता वाक्य के स्वरूप में हमें बताता है, तो विशेषण कहलाते हैं, विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने कोई विशेष बहुत खाती है तो ये उसकी विशेषता ही हुई है ना, मतलब विशेष रूप में हमें उसका प्रयोग किया बहुत ये शब्द का, इस तरह से उसे विशेषण कहलाते हैं। और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये कछुआ यहाँ पे, हाँ, धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली चलता है, ये उसकी विशेषता है, तो धीरे धीरे ये शब्द क्रिया विशेषण हो गया। जैसे ये बहुत खाती है, ये भी क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि बहुत शब्द से हमें स्पष्ट हुआ कि दीपिका बहुत खाती है। अब ये प्रातः, ये समय के बारे में क्रिया विशेषण बताए कि हम प्रातः समय में चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इसी तरह से हमें वाक्यों के माध्यम से, हाँ, उसकी गुणवत्ता तथा क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं इसे हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, वो भी जानते हैं। विशेषण, रचना तेज आवाज में बोलती है, अर्पित की आवाज मधुर है, हाँ, ये क्या हो गए, विशेषण। ठीक है, वाक्य। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे तो विशेषण लगाते हुए, हाँ, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए वाक्य के माध्यम, सिर्फ शब्द नहीं है, तो यहाँ क्रिया विशेषण में देखिए, रचना तेज बोलती है, अब यहाँ पे विशेषण रूप में कैसे लिखा है, रचना तेज आवाज में बोलती है, हाँ, तो ये बताया है हमें, इन्फॉर्म किया है कि रचना तेज आवाज में बोलती है, लेकिन जब क्रिया विशेषण होता है तो हम फट से बोलते हैं सामने वाले को, रचना तेज बोलती है ना, इस तरह से, तो रचना तेज बोलती है, ये क्रिया विशेषण हुआ। अर्पित की आवाज मधुर है, अब ये अर्पित नाम का लड़का है, उसकी आवाज मधुर है, तो यहाँ पे कैसे देखो क्रिया विशेषण के वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ, अर्पित मधुर गाता है, इस तरह से क्रिया विशेषण
मधुर गाता है, ये क्रिया विशेषण लग गया। ठीक है, और इस तरह से क्रिया विशेषण के वाक्य बनते हैं। थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन हमें एकदम अच्छे से उसे समझना है और अध्ययन करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण। अब इन्होंने क्रिया विशेषण, ये जो हमने पहला भेद समझने की कोशिश की है, ये जो हमने क्रिया विशेषण की समझने की कोशिश की है, तो हम उसके बाद उसके भी कुछ भेद है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे स्थानवाचक, यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब देखिए, ये तो बार बार आ रहा है अपने को, संज्ञा के बीच में भी आ रहा है, वचन के बीच में भी आ रहा है, हाँ, फिर लिंगक के बीच में भी आ रहा है। तो किस तरह से हम व्याकरण के माध्यम से उनको भेद बताते हैं हर इसमें, तो अभी इसी तरह से क्रिया विशेषण में भी बताया कि स्थानवाचक यानी किसी स्थान का अनुभव हमें वाक्य से मिलता है। अभी कालवाचक, तो किसी समय का हमें अनुभव मिलता है उस वाक्य से। उसी तरह रीतिवाचक, हाँ, यानी कि धीरे धीरे ये शब्द हुआ तो ये रीतिवाचक हुआ। और ये परिमाणवाचक यानी संख्या या अंक के माध्यम से या फिर लीटर के माध्यम से, तो इसे आप परिमाण सूचक वाचक भी शब्द कह सकते हैं। तो ये क्रिया विशेषण के भेद है कि जिनका हम वाक्य में प्रयोग करते वक्त हमें स्थानवाचक कभी विशेषण मिलता है क्रिया विशेषण, कालवाचक भी कभी क्रिया विशेषण मिलता है, रीतिवाचक भी क्रिया विशेषण मिलता है और परिमाणवाचक भी क्रिया विशेषण मिलता है। इसका हम विस्तार स्वरूप अगले भाग में जानेंगे। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।